महामारी की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के साथ ही अब राज्यों में लॉकडाउन और कर्फ्यू में छूट देने का सिलसिला शुरू हो गया है। सबसे पहले 31 मई को छूट का ये सिलसिला दिल्ली से शुरू हुआ था, फिर एक के बाद एक राज्यों ने पाबंदियां हटाने का ऐलान किया। कल यानी सोमवार से इन पाबंदियों में और ढील देने की तैयारी है। तो किस राज्य में कितनी मिल रही है छूट, देखिए ये रिपोर्ट। महामारी की रफ्तार अब लगातार धीमी पड़ती जा रही है। राज्यों में मामले घटे तो फिर महामारी के कारण लगाई गई सख्त पाबंदियों में छूट भी दी जाने लगी। दिल्ली में 31 मई को कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रियों को शुरू किया गया। अब 7 जून से मेट्रो, बाजार, मॉल खोलने की तैयारी है, लेकिन ये सभी आधी क्षमता से खोलेंगे। मॉल और बाजार की दुकानों के लिए सम विषम का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है, तो मेट्रो में जितनी सीटें हैं उसके आधे लोग ही सफर कर सकेंगे। इस बार खड़े होकर सफर करने की भी इजाजत नहीं दी गई है। सरकारी कार्यालयों में भी ए ग्रेड के सभी अधिकारियों का आना अनिवार्य होगा। बाकी के कर्मचारी एक दिन छोड़कर आएंगे, यानी 50% कर्मचारी ही आएंगे। सरकार का ज्यादा जोर वर्क फ्रॉम होम पर है। महाराष्ट्र में भी सोमवार से छूट देने का सिलसिला शुरू होगा। यहाँ 5 चरणों में छूट दी जा रही है, लेकिन मुंबई में पाबंदियां अभी जारी रहेंगी। यूपी के कई जिलों में पहले ही कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया जा चुका था, लेकिन आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में पाबंदियां नहीं हटाई गई थीं, जिसमें नोएडा और गाजियाबाद जैसे जिले भी शामिल थे। कल से इन जिलों में भी पाबंदियां हटाई जाएंगी। अब यहां भी बाजार शाम 8 बजे तक खुल सकेंगे। कंपनियां आधी क्षमता के साथ काम करेंगी। मध्य प्रदेश में अनलॉक की शुरुआत 1 जून को ही हो गई थी। संक्रमण के मामले घटते जा रहे हैं, इसीलिए अब सरकार छूट का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है। झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में महामारी के मामले अभी भी औसत से अधिक मिल रहे हैं, इसीलिए यहां अभी ज्यादा छूट नहीं दी गई है। सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही राहत मिली हुई है। जम्मू कश्मीर में कल से लॉकडाउन में छूट दी जा रही है। हरियाणा, पंजाब में भी जल्दी ही अनलॉक की प्रक्रिया तेजी पकड़ेगी। देश के संक्रमण के मामले अभी 1 लाख से ज्यादा बने हुए हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश मामले 6 राज्यों में हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।